क्षमा मुझे है कलियुगा प्रमुख है। कली युग में क्षमा के सिवाय और कोई भी बड़ा साधन नहीं है मनुष्य का। और जितनी क्षमा की शक्ति होगी उतने ही आप शक्तिशाली। सबको क्षमा, क्षमा वही कर सकता जो बड़ा होता है, छोटा आदमी क्या क्षमा करे। आज मैंने कहा सवेरे की धर्म को जाने, अपने अंदर जो धर्म है उसको जाने। धर्म में खड़े हैं, जो आदमी धर्म में खड़ा है उसकी इतनी शक्ति होती है। धर्म को जाने, हाँ कितना हम धर्म में खड़े। जो अधर्म में खड़ा उससे हमारा कोई मुकाबला थोड़ी, वो तो अधर्म में ही खड़ा। हम तो धर्म में खड़े हुए हैं, हमारा तरीका ही और है। जो धर्म में खड़ा है उसका तरीका और होता है, और जो अधर्म में होता उसका और होता है। धर्म वाले के अधर्म वालों के साथ अपना मेल जोड़ ही नहीं सकता है। हमें हाँ तकलीफें हो रही, परेशानी हो रही, लेकिन हम तो अपने धर्म पे खड़े हुए ना, वो सबसे बड़ी। अपनी शक्ति को अंदर जानो, जो सिर्फ धर्म स्वरूप, और धर्म कुछ नहीं सिर्फ प्रेम है, और जब प्रेम ही सब कुछ है तो क्षमा उसका एक अंग ही हो जाता है। कितना कौन जुल्म कर सकता है देखते हमारे प्रेम क्या, कितना कौन दुष्टता कर सकता है, कौन कितना घर का भेदी होगा, कौन कितनी तकलीफ देगा, कौन कितनी कृतज्ञता करने को प्यार के आगे सब चीज दूर जाए। यही एक तरीका कल युग में बैठता है। और तो मेरे खुद समझ में नहीं आता, अगर आप सोचते पुराने कोई तरीके इस्तेमाल करें तो हो नहीं सकता। उसका एक कारण आप लोग जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया और अब फिर बता रही हूँ कि पूर्णतया साधु और पूर्णतया संत संसार में नहीं है। हर एक संत साधु में भी इन लोगों ने एक एक रास्ते छोड़े, आपके चित्त में घुसे हुए हैं वो लोग। बात समझ में आई? अगर कोई साधु ही सिर्फ हो तो ठीक है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम्। पर साधु के साथ एक दुष्कृत बैठा हुआ है तो बहुत ही प्रेम से उसको अलग हटाना पड़ेगा कि नहीं, कितना कठिन काम है बताइए। आप साधुता में खड़े हैं कि दुष्टता में खड़े, या आप पर निर्भर है। लेकिन आप अगर साधुता में खड़े हैं तो अगर कोई दुष्टता चिपक रही तो उसको हटा भी सकते। लेकिन आज ऐसा शुद्ध जीव कितने हैं संसार में बताइए? डिग्री का फर्क, और जो लोग साधुता की ओर जा रहे हैं साधुता को बटोरे, उनको उन लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए जो असाधु हैं। वो असाधु है जो चोर है, बिलंदर है, उसको हमसे क्या मुकाबला भाई? वो चोर ही है और हम यही, हम वो नहीं हो सकते, वो ये नहीं हो सकता, हमसे क्या कोई मुकाबला? वो ही नहीं सकता है, वो तो दूसरी लाइन पे चल रहा है, हम तो दूसरी लाइन पे चल रहे। और धर्म में ही जागना सहयोग का लक्ष्य, और कोई लक्ष्य नहीं सहयोग का, सीधा हिसाब किताब है इसका। सहयोग का इस सब चीजों से बिल्कुल ही संबंध ही नहीं होता। अपने धर्म में जागना है, अपने प्रकाश को पाना है, अपने को जानना है। कोई कहता माता जी क्या करें, चक्र को ऐसा चढ़ाए कि उंगली ऐसा घुमाए कि वैसा करें, सारे ये घुमाने फिराने में आदि गतियां हैं, प्राइमोडियल मूवमेंट्स हैं ये सारी जो मैं आपको बता, आदि गतियां प्राइमोडियल जो बनाई गई। लेकिन उसका अर्थ तभी होगा कि शुद्ध तरीके से चीज का प्रवाह हो ना। अंदर से अगर मिक्स्ड चीजें प्रवाहित है तो आप जब हाथ घुमाते हो उसके सिवा मिक्स भी घूम रहा है। क्षमा के सिवाय शुद्धता अंदर नहीं आ सकती, और जब शुद्धता आएगी तो प्रकाश धर्म का रहेगा, शुद्ध निर्मल। अर्थात जिसके पास धर्म है उसको प्रकाश में आना होगा, बोलना होगा, बताना होगा। लेकिन उसके हर व्यवहार में खुद उसको सोचना चाहिए कि धर्म दिखाई दे रहा कि अधर्म दिखाई दे रहा। इससे पहले रियलाइजेशन से पहले मैं आपको लेक्चर देती तो बहुत गलत काम हो जाता, क्योंकि कंडीशनिंग होता है। और यही बात है कि सारे साइकोलॉजिस्ट ने धर्म को खत्म कर दिया और बता दिया कि जितने भी धर्म ये सिखाते ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, इससे कंडीशनिंग माइंड का होता है। ठीक बात, लेकिन अब नहीं होने वाला। अब जो भी आप चाहेंगे अपने मन से कर सकते हैं, देयर विल बी नो कंडीशनिंग एट ऑल, क्योंकि ईगो और सुपर ईगो के बीच में आपका चित्त ला के खड़ा कर दिया। धर्म खुद ही उठ रहा है आपके, आपने उठाया उसका मार्ग आपने।
और जो कि लौकिक जाना है आपने, जो कुछ भी लौकिक जाना है, संसार में ऐसा है वैसा है वैसा है, उससे आप अलौकिक का तौल नहीं कर सकते, अलौकिक का मूल्य उससे आप नहीं जोड़ सकते। ये अलौकिक की बात मैं कर रही हूं, आप लोग लौकिकता से उसको देखते, लौकिकता के तीन डायमेंशन खत्म होते, चौथे डायमेंशन में जिसको घूमना है गहराई से गंभीरता से, चौथे डायमेंशन में चलने की बातचीत मैं कर रही हूं। लौकिक चीजों से आप अलौकिक चीज का मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्या सताया लोगों, कुछ भी नहीं सताया, हम तो कहते हैं हम तो आराम से हैं, जैसे जैसे हमने अपनी अपनी तकलीफें देखे, जैसे जैसे लोग हमने देखे हैं कि उनके लिए जोड़े से गालियां नहीं मिलेंगी, आप जोड़े से उनका वर्णन नहीं मिलता, ऐसे ऐसे महापुरुष, लेकिन समाज की स्थिति बहुत अच्छी है। और आपकी भी स्थिति बहुत अच्छी, लेकिन अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, सीधा हिसाब सहयोग के साथ जो भी आप करें वो आप अपने ही हिसाब करें, हिसाब ये जोड़ लीजिए। हाँ, बहुत बार हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा प्रश्न होता है कि क्या करें, ये ठीक है या नहीं, और इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई सा भी डिसीजन लेने से पहले निर्विचारिता में जाओ, अपने आप डिसीजन सामने जो आ जाए वो करिए, कभी गलत हो ही नहीं सकता, पर डिसीजन निर्विचारिता में स्पॉन्टेनियस होगा, और विचार में आपने अगर कर लिया तो वो बायस होगा, क्योंकि उसमें आपका ईगो और सुपर ईगो दोनों काम कर, आपके जो कुछ भी संस्कार है, आप जो भी कुछ लौकिक कमाया है वो आपके पीछे में खड़ा रहे। लेकिन अगर निर्विचारिता में करिएगा तो एक अभिनव होगा, एक अलौकिक होगा, एक चमत्कारिक होगा, चमत्कार होगा, क्योंकि हिंदी में तो चमत्कारिक का अर्थ होता है बड़ा ऊंचा, और मराठी में होता है चमत्कारिक का अजीब। एक तो चमत्कारिक होएगा मराठी वाला, और एक होएगा चमत्कारिक जो है वो हिंदी वाला। आइए, तो जब बात अलौकिकता की हो रही, तो लौकिकता के जितने भी आपके बने हुए मत हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैनॉट गाइड गॉड, ही हैज हिज ओन स्टैंडिंग, ही ओन बीइंग। आप लोग चाहेंगे कि भगवान हमारे जैसा हो जाए, तो वही चीज हो गई कि जो लोग भगवान को बेचते हैं, भाई 4 रुपए दे दो उधर मैं लगा देता हूँ आपका, वही लेवल हो जाए। वो अपना जैसा है प्रकाशित करेगा, आप अपने मार्ग को खुलते जाइए, अपने धर्म को अंदर जानिए, धर्म को जाना बहुत जरूरी है, कितनी सुंदर चीज है अंदर में देखिए, इस नश्वर देह के अंदर कितनी अनिश्वर चीज बह रही, जैसे कोई गंगा, सरस्वती और यमुना तीनों का संगम की धारा में, इसलिए जो मिटने वाला है, जो लौकिक है, उससे इस चीज को नहीं जान सकते। एक क्षण निर्विचारिता में जाकर के आप किसी भी चीज का डिसीजन ले लें, आप ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे कि बड़े बड़े लोगों के बस का नहीं था, डायनामिक, एब्सोल्युटली डायनामिक, चिंता भय क्रोध सर्विलिटी स्लेविशनेस इंफीरियोरिटी सारे कॉम्प्लेक्स झड़झुड़ करके, वो तो अपनी शान में बोलेगा ना अंदर, और उसकी अपनी नम्रता है, क्योंकि इतना मृदु है वो, इतना मृदु है कि वो किस तरह से अंदर चला आता पता ही नहीं, जैसे झरके चांदनी अंदर उतर जाए। और जब आप चुने गए हैं तो आपका महत्व बहुत ज्यादा है। अब आप सोचते हैं कि आप एक ऑर्डिनरी आदमी हैं, हम कैसे चुने गए, ऑर्डिनरी ही आदमियों में से चुने जाएंगे, और ये जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुनिया में लोग दिखाई देते हैं आपको कि बड़े बड़े पदभूषित हैं,
ये सब मिसिंग लिंक हो जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।